हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्योर एजुकेशन। आज हम पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मैं रेडक्लिफ रेखा, पार्क जलडमरू मध्य, मैकमोहन रेखा, डूरेंड लाइन और कितने प्राकृतिक प्रदेशों में हमारा भारत विभाजित है और अन्य इस तरह के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बताऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। पहला क्वेश्चन हमारा है, भारतवर्ष आकार में विश्व का कौन सा नंबर का देश है? तो ये है सातवां सबसे बड़ा देश है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का कितना है? तो वो 2.4% है। भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? तो भारतवर्ष में लगभग 6,41,000 गांव हैं। कितने भारतीय राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इससे पहले अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी है ज्योग्राफी की, तो आप उसमें देख सकते हैं, मैंने सारी डिटेल्स एक एक करके दे रखी है उसमें। इसी क्वेश्चन के सारे आंसर्स भी उसमें दिए हुए हैं। भारतीय नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो वो है गांधीनगर। गुजरात के सबसे पश्चिमी गाँव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित बालांगू के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? तो वो 2 घंटे का अंतराल होगा। कौन सा शहर भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है? तो वो है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर जो है वो भारतीय मानक समय यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का निर्धारण करता है। नेक्स्ट हमारा है, देशांतर रेखा से किसका निर्धारण होता है? तो देशांतर रेखा से समय का निर्धारण होता है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु यानी कि सदर्न पॉइंट कौन सा है? तो वो है इंदिरा पॉइंट। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो बड़ा निकोबार में इंदिरा पॉइंट स्थित है। बांग्लादेश से कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो बांग्लादेश से 5 राज्यों की सीमा लगती है। अब देखिए, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के कौन कौन से राज्य हैं? वो है मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे एकदम से दिमाग में बैठा लीजिए। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार, ये देखिए गलत हो गया है, थोड़ा सा मिस प्रिंट है, म्यांमार होगा, म्यांमार से स्पर्श करती है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत के राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो वो कौन कौन सा है? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात पाकिस्तान से सीमा बनाता है। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है। भारत और पाकिस्तान की सीमा कौन सी रेखा अलग करती है? तो वो होती है रेडक्लिफ रेखा। ये किसने लाइन खींची थी? ये सर रेडक्लिफ ने खींची थी ये लाइन। डूरेंड लाइन किसके साथ भारत पीओके के सीमा निर्धारित करती थी बोला है? तो ये है अफगानिस्तान। भारत और चीन को उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? तो मैकमोहन रेखा। इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि भारत और चीन को कौन सी रेखा अलग करती है? तो वो है आपकी मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान को कौन सी रेखा अलग करती है? तो वो है रेडक्लिफ लाइन। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? भारत और श्रीलंका किसके द्वारा अलग होता है? वो पाक जलडमरू मध्य के द्वारा अलग होता है। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों यानी कि क्रमशः कौन कौन से देश, नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो वो है सिक्किम। सिक्किम राज्य से नेपाल, भूटान और चीन की सीमाएं मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत के राज्यों में से किसके तीनों ओर अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो वो है त्रिपुरा एवं सिक्किम। त्रिपुरा और सिक्किम के तीनों ओर अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ हैं। भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों के संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है। किस साइड? उत्तर के साइड यानी कि नॉर्थ के साइड सरका है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम गोंडवाना लैंड कहते हैं, हम सब जानते हैं। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो भारत 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुआं पाए जाते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो तराई भाग में। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो वो है वृहद हिमालय श्रेणी।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा बोला जा रहा है कि उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे पहले समतल मैदान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो भाबर कहा जाता है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे जो पहले समतल मैदान थे उनको भाबर कहा जाता है। हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश कौन सा है? तो वो है शिवालिक। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई बोलिए कितनी है? तो हम जान सकते हैं, देख सकते हैं इसमें कि 85,01,200 मीटर के मध्य है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण किसके हैं? तो गिरिपथ की स्थिति का। लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है? तो जो लघु हिमालय है वो शिवालिक और महान हिमालय के बीच में स्थित है। सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? शिवालिक को हम लोग सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कहते हैं। पूर्वी हिमालय की तुलना में त्रिलाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है, कितना होता है? तो ये कम होता है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी इसके पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाकर मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड फॉर माई न्यू वीडियो।